वेलकम टू एस टी बी एग्ज़ाम फोरम। एस टी बी एग्ज़ाम फोरम में आपका स्वागत है। टारगेट डी आर डी ओ सेप्टेम्बर 2022 के हम चैप्टर 9 पर आ गए हैं। इसमें हम 25 एम सी क्यू एस आई यूनिट से रिलेटेड जानेंगे, ठीक है। एस आई यूनिट वाला जो टॉपिक है जनरल साइंस में बहुत ही ईजी और बहुत ही स्कोरिंग है, और नॉर्मली डी आर डी ओ सेप्टेम्बर में 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो चैप्टर 6 में हमने जनरल साइंस का सिलेबस जाना था। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जनरल साइंस को बाइफर्केट कर दिया था, और फिजिक्स में ही एसआई यूनिट एंड ईयर कन्वर्जन हम आज जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो एसआई यूनिट वाला टॉपिक है उसमें आपको 2 चीज़ें पता होने चाहिए। फर्स्ट, बेस एसआई यूनिट कौन सी है और डिराइव्ड एसआई यूनिट कौन सी है। जो बेस एसआई यूनिट्स हैं वो हमारी 7 यूनिट्स हैं, ओके, जो आप सभी को ऑलमोस्ट पता है वो क्या है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। नॉर्मली स्टूडेंट्स को टेम्परेचर तक पता होता है कि यूनिट्स क्या होती हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात रही बेस एसआई यूनिट की। बट स्टूडेंट, नॉर्मली बेस एसआई यूनिट से क्वेश्चन इतने पूछे नहीं जाते। पूछे जाते हैं तो ओनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। जो डिराइव्ड एसआई यूनिट है उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं वो डिराइव्ड एसआई यूनिट्स कौन सी हैं। जो फर्स्ट हमने टेबल बनाया है वो इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ओके। डिराइव्ड यूनिट का मतलब हम आपको बताएंगे क्या है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है प्लेन एंगल। जो एंगल होता है हमें पता है डिग्री में मेजर किया जाता है, बट जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियंस, ठीक है। अगर आप बेस यूनिट को अगर देखेंगे, इसमें बेस यूनिट क्या होती है, मीटर। अगर लेंथ की बात करें मीटर पर मीटर, वो क्या होती है, एंगल रेडियन के बराबर होता है। आपको अगर पता है एंगल कैसे निकालते हैं तो आप उससे जान सकते हैं कि वो मीटर बाय मीटर होता है। मीटर बाय मीटर मतलब क्या होता है, डायमीटर बाय हाफ ऑफ सर्कम्फ्रेंस। तो दोनों डिस्टेंस में मेजर किया जाता है, इसलिए मीटर बाय मीटर। अल्टीमेटली उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन। फ्रीक्वेंसी होती है, हमें पता है हर्ट्स में मेजर किया जाता है, बट जो उसकी बेस यूनिट टाइम से रिलेटेड होती है, 1/टाइम, दैट इज पर सेकेंड। सो अगर बेस यूनिट में इसको देखेंगे तो पर सेकेंड के बराबर। वैसे ही फोर्स, नॉर्मली हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बट अगर एसआई यूनिट में अगर पूछेगा कि एसआई बेस यूनिट क्या होगी, बेस यूनिट की टर्म में, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन क्या होता है, हमारा मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास क्या हो गया, केजी। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अदर एसआई यूनिट में भी इन्होंने कन्वर्ट किया है जूल पर मीटर। तो जो ये टेबल है आप इसको बाय हर्ट याद कर सकते हैं। इसको याद करने से बेटर क्या है कि आप जो ये हमने फिजिकल क्वांटिटी आपको बताई हुई हैं इनका मीनिंग समझें, ये एक्चुअली होते क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। यस स्टूडेंट, यस, एज मोस्ट ऑफ यू हैव करेक्टली सेड, कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। एम्पियर किसकी होती है दोस्तों, यस, करंट की होती है एम्पियर यूनिट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉट इज अ मेजर ऑफ, ओके, नॉट एक यूनिट ही है जिससे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। वही आपको पूछ रहा है कि नॉट से आप क्या मेजर करते हैं, ओके। नॉट एक यूनिट है, ओके। तो बताइए स्टूडेंट्स, यस राकेश, यस, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक आपको पता है रिक्टर स्केल से मेजर की जाती है। सोलर रेडिएशन, रेडिएशन को मापने के लिए बेसिकली पायरोमीटर्स वगैरह यूज होते हैं।
एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, आपको पता है स्टर्डियन रेडियन से मापा जाता है। जो स्पीड ऑफ शिप है उसको, उसकी एक यूनिट होती है नॉट, ओके उसको हम जानते हैं। आइए डिटेल में, जो 1 नॉटिकल माइल होता है 1 नॉट, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर ये नॉट होता है, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड ऑफ शिप बोल रहा हूँ 1 नॉट, उसका मतलब है उसकी स्पीड कितनी है 1.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ आ गया। ओके लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो डायोप्टर है वो किसकी यूनिट है? बहुत इजी है ये भी स्टूडेंट्स, यस आप सभी ने करेक्ट ही आंसर बताया है, पावर ऑफ अ लेंस। जो ऑप्टिक्स में अगर बात करेंगे तो साउंड इंटेंसिटी आपको पता है डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, लाइट इंटेंसिटी किस में मेजर की जाती है? फ्लक्स में मेजर की जाती है। जो फोकल लेंथ है वो किसकी यूनिट हो सकती है? फोकल लेंथ, लेंथ है तो हमारी क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर ये सब होगा। पावर ऑफ अ लेंस की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, राइट स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ओके एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, वेबर। इसी से रिलेटेड एक मैग्नेटिक फील्ड की आती है टेस्ला करके यूनिट, वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। बट इसने यहाँ पर क्या पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वेबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सबसे ही आसान क्वेश्चन है, ओके लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ओके बहुत सिंपल है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, लाइट ईयर ईयर है तो टाइम से रिलेट करते हैं, ऑप्शन डी करते हैं जो कि गलत है। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। करंट की क्या यूनिट होती है हमें पता है एम्पियर, डिस्टेंस की जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो है लाइट ईयर, वैसे हम मीटर में भी मेजर करते हैं बट लाइट ईयर अगर बहुत लंबी डिस्टेंस है तो उनको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, दीज आर द 4 ऑप्शन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यस राम, यस राम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द करेक्ट आंसर। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यस जो वेव बनाते हैं, एक जो साइकिल है कंप्लीट साइकिल, वो 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उसमें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं 1 हर्ट्ज़ की बात कर रहा हूँ तो 1 सेकंड में 1 साइकिल बनता है, अगर 2 हर्ट्ज़ की बात कर रहा हूँ तो 1 सेकंड में 2 कंप्लीट साइकिल बनते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बहुत इजी है, ओम्स लॉ पता होना चाहिए इसके लिए। यस राजशेखर, यस जो ओम्स लॉ होता है वो होता है वी इज इक्वल टू आई आर, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आर क्या हो गया, वी बाय आई क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, ओके यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज व्हाट। सो दोस्तों जो पावर होती है वो किसकी यूनिट होती है, यस वॉट और किलो वॉट आर। इसमें भी स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, वॉट। वॉट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किसी सर्किट में ट्रांसफर करते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं 1 जूल पर सेकेंड।
अगर वॉट की एक और यूनिट है, अगर एसआई यूनिट में बात करें 1 जूल पर सेकंड, तो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में आप कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पावर ये होता है, किलो वॉट आवर डायरेक्टली एनर्जी है, ठीक है, आप उससे एनर्जी मेजर करते हैं डायरेक्टली। ओके, सो जो ये वॉट यूनिट है वो जो स्कॉटिश इन्वेंटर हैं जेम्स वॉट, उनके नाम पे रखा गया है। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? राजशेखर? नहीं, चलिए जानते हैं आंसर क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ई इज इक्वल टू एच एफ हो गया हमारा फॉर्मूला, एच यहाँ पर क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर प्लैंक कांस्टेंट को निकालेंगे तो मैथमेटिकली प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू इनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। इनर्जी आपको पता है किस में होती है? जूल में होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, बट हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 बाय सेकंड। तो ये 1 बाय सेकंड हो के ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? जूल सेकंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जूल सेकंड। राइट स्टूडेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है ना? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट? ये 4 ऑप्शन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, पावर की क्या होती है? जूल पर सेकंड या वॉट। तो ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? यस, कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्टेंस, न्यूटन मीटर हो गया। टॉर्क का क्या हो गया? टॉर्क, बिल्कुल सही बोला आपने, जूल ही होगा। रोटेशन में कितना होता है? जूल में ही मेजर करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है, वर्क एंड टॉर्क, ये भी जूल में मेजर किया जाता है, ये भी इन ऑल ओवरऑल जूल में मेजर किया जाता है, बट रोटेशन डायनेमिक्स में, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी, वर्क एंड टॉर्क बोथ रिप्रेजेंट द एनर्जी, ओके, वन इन ट्रांसलेशन एंड अदर इन रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन व्हाट? डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन व्हाट? सो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यस, नाम से सभी लगते हैं कि ये बहुत ठीक ही लग रहे हैं सभी, बट नॉर्मली हमें पता ही है लाइट ईयर में ही हम डिस्टेंस जो स्टार्स का होता है वो मेजर करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैराड इज द यूनिट ऑफ व्हाट? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूनिट्स रहते हैं जो एसआई यूनिट से हटकर रहती हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, फैराड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, ठीक है। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? यस यस, हेनरी। और रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता है ओम होती है। कंडक्टेंस की? यस, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैपेसिटेंस, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ व्हाट? इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से स्ट्रेट अवे उड़ा सकते हैं। क्या है? फर्स्ट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है? एक्सेलेशन। तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है इससे, फोटोन से। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एम्पियर होती है यूनिट। मैग्नेटिज्म फ्लक्स की होती है, मैग्नेटम डेंसिटी की होती है। तो जो फोटोन है, लाइट्स, फोटो से आप रिलेट कर सकते हैं, लाइट ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, फोटोन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। अगेन देखिए, अभी हमने पूछा था टेस्ला किसकी यूनिट होती है? टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्शन, मोमेंट एंड फील्ड। दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और एक टेस्ला
किसके बराबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, बिकॉज हमें फ्लक्स निकालना होता है. ठीक है. द यूनिट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन दैट इज लेवल इज डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम, नन ऑफ दिस. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हमें पता है कि नॉइस पॉल्यूशन को डेसिबल में मेजर किया जाता है. डेसिमल नंबर्स होते हैं तो इसका कोई रिलेशन नहीं है. पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मली एक कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए होता है और इसको नॉर्मली हम एयर पॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन भी नहीं है इसका ऑप्शन. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. यूनिट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन इज डेसिबल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है. किलो वॉट इज़ द यूनिट ऑफ वट. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कि वॉट होती है वो होती है, उसकी क्या होती है यूनिट. अभी अभी मैंने बताया था वॉट की यूनिट क्या होती है. यस, जूल पर सेकेंड. और यस, जूल पर सेकेंड वो पावर की यूनिट होती है, जूल पर सेकेंड. ठीक है. यहाँ पे हमें किलो वॉट आवर समझना है. वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड. आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कटा, क्या बचा, जूल. जूल किसकी एनर्जी होती है, यूनिट की होती है एनर्जी की. सो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. नॉर्मली जो किलोवाट पर आवर, जो किलोवाट आवर है वो हम हमारे जो डेली अप्लायंसेस जो हम कंज्यूम करते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसको उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. जो घर का मीटर का बिल आता है वो किलोवाट आवर में ही आता है ना. तो इसका ऑप्शन ए है, बी नहीं है स्टूडेंट. बी क्या यूनिट क्या है, ओनली वॉट है. यहाँ पे आवर लगाने की वजह से ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. ओके. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. थर्म किसकी यूनिट होती है. थर्म आपको नाम से ही लग रहा होगा, हीट से रिलेटेड है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट यूनिट. तो जानते हैं होती क्या है थर्म. थर्म बेसिकली नॉन एसआई यूनिट है जो ब्रिटिशर्स ने फाउंड की थी कि 1000 क्यूबिक में 1 CCF फीट, 100 क्यूबिक फीट में नेचुरल गैस जब बर्न करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं वन थर्म. ठीक है. तो थर्म किसकी यूनिट है, हीट की. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ, आप मैडम क्यूरी का नाम जानते ही इस ऑप्शन को करेक्ट मार सकते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस. ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बिकॉज न्यूक्लियर रेडियस बहुत स्मॉल होता है और ये सभी यूनिट्स भी स्मॉल में ही हैं. तो याद रखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी है एंगस्ट्रॉम, उससे हम न्यूक्लियर रेडियस को मेजर करते हैं. ठीक है. तो एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. आपने नाम सुना होगा इतना क्यूसेक पानी आ गया, तो डायरेक्टली आप अपने डेली लाइफ से भी रिलेट करके इनका आंसर दे सकते हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्यूसेक मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड. ओके. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके. क्यूसेक मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड. ओके. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ किलो वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ, अभी अभी जस्ट हमने किया था, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके. कन्फ्यूजन नहीं होनी स्टूडेंट्स. अगेन पार्सेक, ये नई यूनिट आई है, देखते हैं इसमें क्या है. पार्सेक इज अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ वट. दीज आर द फोर ऑप्शंस. देखिए हमें लाइट ईयर पढ़ा था, एक होती है पार्सेक. बोथ डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होती है. ठीक है. तो जो इसका ऑप्शन टू है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज द राइट आंसर. ठीक है. तो पार्सेक से वी आर एबल टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ परसीव लाउडनेस ऑफ साउंड. लाउडनेस, साउंड कितनी लाउड है उससे कैसे पता करेंगे. अभी हमने प्रीवियसली देखा था इंटेंसिटी ऑफ साउंड किससे मेजर की जाती है, डेसिबल से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, डेसिबल. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. अभी दो क्वेश्चन पहले ही हमने चेक किया कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं या पार्सेक में मेजर करते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी.
यस स्टूडेंट्स, यस श्रीनिवास, यस टेल मी, यस नो इट्स नॉट केजी पर मीटर क्यूब, दे आर आस्किंग रिलेटिव डेंसिटी. वेन एवर यू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वर्ड जब भी आपको पता चले तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, बिकॉज रिलेटिव आप एक तरीके से रेशियो को मान सकते हैं, वो अल्टीमेटली डायमेंशन लेस हो जाती है. तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, इट हैज नो यूनिट. ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट. जो हमारा जो ये चैप्टर 9 है, आई थिंक आपको पसंद आया है. अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, हम नई वीडियोस के साथ इसी तरह आते रहेंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.